शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करता था। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दिया था। लेकिन रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। महिलाओं के बारे में रावण द्वारा बताई गई बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आप भी जानें रावण द्वारा महिलाओं के विषय में क्या बताई गई है। पहला, स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी होती हैं और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा क्यों ना देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं। दूसरा, अपनी बात से पलटना। रावण ने यह भी बताया है कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर उधर की बातें बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तीसरा, राज की बात उजागर करना। रावण के प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ ही देंगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरफ फैला देती हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। चौथा, बहकावे में आना। रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाती हैं और किसी भी जाल में फंस जाती हैं, और चाहे वो एक मर्द हो या फिर औरत। ऐसे में दूसरों की बातें में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति हो या कोई और। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।